अगर आप फ्री फायर के गेम प्ले वीडियो को छोड़कर और कुछ अपलोड करते हो ना तो आपके पास सिर्फ एक ही कंटेंट है, पागल M10, पागल M10 और पागल M10। गाइस अभी के टाइम में पागल M10 के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपोज वीडियो बन रहा है कि मतलब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। एनजी स्पोर्ट्स एंड पागल M10 का कॉन्ट्रोवर्सी होने के बाद पागल M10 को ज्यादा फेमस हो गया इंडिया सर्वर। आपको तो पता होगा जो इंसान फेमस होता है उसको नीचा दिखाने के लिए इंसान कोई भी हद तक जा सकता है। एंड गाइस आज मैं कुछ ऐसा ऐसा प्लेयर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस आपको बोल सकते हो ऐसे चुनिंदा लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो मतलब एक अलग लेवल पे पागल M10 को एक्सपोज कर रहे हैं, जो जिनका कंटेंट सिर्फ पागल M10 है, मतलब उनको और कुछ दिखता नहीं, सिर्फ पागल M10 दिखता है। एक और बात आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ना यहाँ पागल M10 के साथ हूँ ना मैं यहाँ किसी के सपोर्ट में हूँ। मैं बस इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी पागल M10 के बारे में जाना है मैं सबको एक इस वीडियो में लगा दूंगा। एंड गाइस जो फेक एलिगेशन लगाए गए पागल M10 के बारे में गाइस सबको मैं एकदम रख के एक्सपोज करने वाला हूँ, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं यहाँ एक्सपोज वीडियो को एक्सपोज करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स और प्रूफ ऐसे हैं जो जितने लोगों को पता चले वो बेटर है। लास्ट वीडियो में मुझे लगा था कि बहुत कम लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन 95% लोगों का साथ देख के मैं खुश हो गया। मत रहे हो, एक चैनल को और क्या चाहिए, जहां उसके चैनल पे 100 में व्यूज आते थे आज उसके चैनल पे लाखों में व्यूज आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि बस एक ही वीडियो डालूंगा इस टॉपिक के, लेकिन पिछले वीडियो पे कई सारे लोग ऐसे भी थे जो अभी भी उसको अब्बा मान रहे हैं और बहुत सारे लोग सेकंड पार्ट भी मांग रहे थे। मैं चाहता तो बाकी 5% को ऐसे ही रहने देता, लेकिन ये फिर गलत रास्ते पे रहते और उसको अभी भी अपना अब्बा मानते। ये बात तो तुम बोलो ही मत कि तुमने नेक्स्ट वीडियो बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि तुम्हारे चैनल पे पूरा पूरी पता चल रहा है कि तुम्हारा पहले का व्यूज क्या था एंड तुम्हारा पागल M10 का वीडियो अपलोड करने के बाद तुम्हारा व्यूज कैसे रीच हुआ। तुम्हारा जो सेकंड बीच में तुमने एक गेम प्ले वीडियो डाला है पर उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसीलिए यही चीज़ को देखते हुए तुमने सेकंड पार्ट डाला पागल M10 को रिलेटेड। एंड गाइस मैं इतना भी बता सकता हूँ इस बंदे का थर्ड वीडियो भी पागल M10 के बारे में आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि व्यूज के लिए कर रहा है, चैनल ग्रो करने के लिए कर रहा है। उनको मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो जो थी उस पे मैक्सिमम व्यूज शेयर करके आए थे, मैक्सिमम व्यूज व्हाट्सएप से आए थे। ये उन लोगों ने वीडियो शेयर करी है जिनको मेरी बात समझ आई और उसको अपना अब्बा नहीं मानते, रियलिटी को एक्सेप्ट करते। सीधी बात, नो बकवास। जो गेम प्ले वीडियो होता है, जो टूर्नामेंट वीडियो होता है उसको कम शेयर मिलता है, जो कॉन्ट्रोवर्सियल वीडियो होते हैं, एक्सपोज वीडियो होते हैं, जो सबसे ज्यादा रंडी रोना, जो सबसे ज्यादा चूतिया, जो सबसे ज्यादा चोरी करता है उसको वीडियो ज्यादा शेयर मिलता है। तो ये बात तो बोले मत कि मेरे वीडियो में कुछ काम का था इसलिए मेरे वीडियो को ज्यादा व्हाट्सएप में शेयर किया गया। ये बात तो तू बोलना ही छोड़ दे कि तू व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता है, तू व्यूज के लिए वीडियो बनाता है, मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो भी फ्री फायर का क्रिएटर है 90% से 100% लोग सब व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। एंड गाइस कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा क्योंकि उसके 7 से 8 घंटे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में वेस्ट हो रहे हैं जो जिससे उसको घंटा को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसलिए सब व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। इसने अपने चेले से वीडियो डलवाई कि सारे लोग मेरे नाम से व्यूज कमा रहे हैं, मैं तो बस अपना काम करूंगा, मैं इनको रिप्लाई नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग फेमस हो जाएंगे। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। पागल M10 शुरू से गेम प्ले वीडियो डाला है एंड गाइस वो कभी भी रिप्लाई वीडियो नहीं बनाया है, और शिवा भाई एज अ फ्रेंड होने के नाते वो ऐसा वीडियो बनाता है पागल M10 के बारे में। इसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि लोग इसको एक्सपोज कर रहे हैं तो व्यूज के लिए, इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए नहीं, और तुम ये टट्टी सोच लेके आके हमारे कमेंट्स में रख देते हो। अगर ये सही है तो रिप्लाई क्यों नहीं देता, ये बहाने क्यों बना रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, ये अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकता। तुम्हारे भाई ने ऐसी बजाई है कि ये कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा, बस ये बोल दिया कि सब व्यूज के लिए कर रहे हैं ताकि इसकी ऑडियंस मैनिपुलेट हो जाए कि ये सही है और बाकी गलत। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। समझ जाना, नहीं नहीं मत मत कर, गेम प्ले डालूंगा वही।
पागल एम्प्टन को सीधा सीधे उकसा के उसका रिप्लाई चाहता है, क्योंकि अगर पागल एम्प्टन ने इसको रिप्लाई दे देना इसके चैनल में जो बूस्ट मिलेगा ना ये मैं बता भी नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि मैं इस टॉपिक पे बहुत सारे पार्ट्स बनाऊं, इसके सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट भी आ सकता है। तो चैनल को वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड गाइस तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। एंड गाइस वीडियो का जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसे आ रहा है यार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बहुत ज्यादा मेहनत करके ऐसा वॉइस निकाल रहा हूं यार, क्योंकि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूं ऐसा तुम बोल सकते हो।